आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करना एक जेन्युइन तरीका है, लेकिन आप जो टिकट बुक करते हैं उसको सेल नहीं करना चाहिए। आप इसमें सिर्फ अपना फैमिली मेम्बर का ही टिकट को बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको हम यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी देखिए 9:58 हो रहा है, जैसे 10 बजेगा उसके बाद हम तत्काल मारेंगे। 10 बजे से AC का टिकट बुक होता है और 11 बजे स्लीपर का टिकट बुक होता है तत्काल में। तो उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपका 4-डिजिट लॉगिन पिन डाल के यहाँ लॉगिन करना होगा। अगर आपका बायोमेट्रिक इनेबल है तो यहाँ बायोमेट्रिक रखेंगे आप, तो यहाँ लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ट्रेन आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। कहाँ से कहाँ तक जाना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे राजेंद्र नगर से बारसोई तक जाना है, वो हम ले लिए हैं। यहाँ कोटा में हम यहाँ तत्काल ले लेंगे और डेट 23 तारीख का ले लेंगे। और जैसे ही 10 बजेगा हम सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही मास्टर लिस्ट में पैसेंजर को ऐड करके रखा है, तो मुझे अभी ऐड नहीं करना होगा या पैसेंजर का नाम फिल नहीं करना होगा। आप अगर पैसेंजर का नाम मास्टर लिस्ट में ऐड नहीं किए हैं तो मास्टर लिस्ट में पहले उसको ऐड कर लीजिए, ताकि उस वक्त आपके पास समय ज़्यादा रहे और टिकट बुक करने में आसानी हो। जैसे कि मेरा देखिए 10 बज चुका है, हम यहाँ सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पे ट्रेन आएगा, हम यहाँ क्लास चूज़ करेंगे और पैसेंजर डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी मास्टर लिस्ट में ऐड किया हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट पैसेंजर के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ से ऑटो अपग्रेडेशन ऑटो कन्फर्मेशन ले लेंगे। यहाँ पेटीएम को चूज़ कर लेंगे और यहाँ से ट्रेवल इंश्योरेंस को नो करेंगे और रिव्यू जोनियर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने सीट अवेलेबल आ जाएगा। ये कैप्चा को यहाँ से बढ़िया से आप फिल करेंगे ताकि ये बढ़िया से करेक्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ प्रोसीड टू पे और यहाँ यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ फाइनल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ से भीम चूज़ करेंगे, यहाँ पेटीएम को चूज़ करेंगे और पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना पेटीएम का मोबाइल नंबर फिल करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा पेटीएम की तरफ से, वो OTP को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपको पेटीएम में एक नोटिस मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। मेरे पास यहाँ पे नोटिस आ चुका है। चलिए हम यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी बैंक से आपको पेमेंट करना है, और पे सिक्योरली करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना इंटर पिन दबाएंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ मेरा पेमेंट सक्सेसफुल होने लगेगा। इसे देखिए मेरा यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। इसको कट करेंगे और हम यहाँ IRCTC ऐप में आएंगे, तो देखिए मेरा यहाँ पे टिकट बुक सक्सेसफुली हो चुका है। ये देखिए B4 में 57, 60 और 58 नंबर सीट यहाँ आ चुका है मेरा। सो इसी तरह से आप अपना IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट को बुक कर सकते हैं। ये नीचे आपको यहाँ पे एक QR कोड भी मिल जाता है, लेकिन आपको ये टिकट को सेल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप सेल करते हैं जो ये इलीगल है, इसमें आपको खतरा हो सकता है। इसलिए हमेशा आपको ये टिकट जब भी आप बुक करेंगे, आप अपना फैमिली मेम्बर के लिए बुक कीजिए या फिर अपने लिए बुक कीजिए। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।